नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका के वार्ड नंबर 11 से बबली रिवाड़िया ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके द्वारा नामांकन पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। आज उनके द्वारा गुरु रविदास भवन में अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी टिकट काट दी गई, जिसके चलते उनके द्वारा विरोध स्वरूप आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि वह वार्ड में हर व्यक्ति के दुख सुख के साथी हैं और वार्ड वासियों का उन्हें भरपूर समर्थन है, जिसके चलते उनके द्वारा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे वार्ड की हर समस्या को दूर करवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सुनिया जी, जो कुछ हो रहा थोड़े सामने ही है, ठीक है जी। ये दसन के विचार एमसी साहब मेरे नाल जो धक्का होया जो मेरे नाल होया, बाकी वार्ड वासी खड़े ने सारे, सोच समझ के वोट करनी है जेड़ा थोड़े नाल चल सके। दुख सुख के साथ जेड़े कोरोना से भी थोड़ी मदद की है, अगे कोई नहीं आया सी, मैं खड़ा थोड़े नाल 24 घंटे। सोच समझ के वोट करनी है। 13 सूट तो प्रत्याशी वार्ड नू मंजूर नहीं है। मैं 24 घंटे थोड़ी सेवा च हाजिर हाँ। सोच समझ के वोट पानी है। किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई धक्का नहीं होने देना, किसी नाल कुछ नहीं होएगा, ठीक है। सारे समझदार ने, पढ़े लिखे ने, बच्चे देख रहे, सारा वार्ड खड़ा है। बाकी अपने पत्रकार साहब आए ने, सच्चाई पेश करेंगे जो भी सच्चाई है। सोच समझ के वोट करनी है। किसी नाल अपनी कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, पार्टी पुलटी तो कोई मतलब नहीं। अगर पार्टी नाल मतलब होता तो इन्होंने अपना कैंडीडेट क्यों बदलिया? पार्टी ने काम किए होते तो कैंडीडेट बदलने की नौबत क्यों आई, ठीक है जी। कैंडीडेट बदलता कि 11 नंबर वार्ड से कोई एक कांग्रेसी नहीं है जो इन्हों मिल सके। इन्होंने 13 सूट तो उतारे, 13 सूट के बच्चे तुम्हें पता कि दिक्कत आनगियां, ये सारे समझ है। कल ये ना होवे तुहानू रात विरात नू काम पवे, फिर तुसीं लभदे फिरो कित्थे गए ने। मैं तुहाडे नाल खड़ा, पार्टी पुलटी ना सोचो, तुहाडे काम अगे भी होए ने, हुण भी मैं ही कराणा काम, तुहाडे तां पिछे नहीं हैगा। सोच समझ के वोट पाणी हैगी है। किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी नाल कुछ नहीं बोलना। आपां उन्हां नू भी हक है, वह भी अपने ने, पर 13 सूट तो जिहड़ा प्रत्याशी उतारिया वह वार्ड नू मंजूर नहीं हैगा। और तुहाडे सामने सारा वार्ड खड़ा है, साडी माता भैणां वा जिन्नियां बैठियां ने मेरे नाल खड़ियां ने, देख लो तुसीं सारे पत्रकार भाई साहब, सच्चाई जो हैगी है तुसी लाओ सारे देख लो सारे, ठीक है जी। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। सारा शहर जानता है अपने वार्ड च, दसो जी कितना काम होया, कितनी सरकार ने काम किया। एक गली 20 फुट की पट्टी है, वह भी 2-3 महीने का अधूरी पई, बच्चे रोंद ने चढ़िया नहीं जाता पेड़ियां तो, वह भी नहीं बनी हुई, ठीक है नहीं। तुसी भी बयान दो, दसो पत्रकार साहब नू भी की अन्याय हो रहा साडे वार्ड दा। वह भी चाहते ने भी बोलने वाले एमसी ना बने, लेकिन मैं बोलने वाला है, मेरे हक वास्ते मैं लड़ांगा। वार्ड के पिछे मैं हिम्मत हारने वाला नहीं है, तुम मैनू आशीर्वाद दो बस। बाकी मैं जाना, मेरे काम जाने, सारे हक मिलेंगे अपने, बहुत सुविधा होंगे ने, पर ये उत्थे जाते ही नहीं, ये उत्थे कदे नहीं जाते भाई। वो अपने हकों वास्ते लड़न वाला कोई काम नहीं करता। मैं लड़न वास्ते गया, मेरी टिकट इसे करके कटी गई है, क्योंकि उन्होंने बोलने वाला बंदा नहीं चाहिए। तो मैं बोलांगा, मैं लड़ांगा थोड़े हक वास्ते, भावें मैं कितने भी जाना पवे, तुम मेरा साथ देना वा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी है जी, इन्हों जिता के तुसी अपने आजाद उम्मीदवार जित प्राप्त कराओ, तो कांग्रेस के मूँह से थप्पड़ मारो इन्हों के कबाया साहब के। इन्होंने टिकटा दती ने पैसे लैके, तुसी इन्हों मूँह तोड़ जवाब देना जी। एक एक वोटर ने आजाद उम्मीदवार को वोट पवानी जी, नाल आजाद उम्मीदवार की मदद करनी जी। मेरा इन्ना ही तुहानू सुनेहा है। 19 वार्ड तो मेरी मिसेज लड़ रही है, 18 वार्ड तो मैं अरनेक सिंह लड़ रहा, दोनों वार्डों तो थोड़े भरावों के संयोग के नाल ही असं लड़ रहे हैं। तो थोड़ी जिनी सहमति होगी तुम साड़ी वध चढ़ के मदद करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। सिवर का टोटा इन्ना जहा, हर एक पार्टी वोट लैके चली जाती, साड़ी सिवर लैन नहीं पै रही। अब सानू इन्ना नरक का सामना करना पै रहा है। डुबाया आया सीगा सामने पासे, उधरों पैप पा के चले गए, साडा पासा फिर उवें ही पिया है। ते असीं हाथ जोड़ के बेनती है साडे उम्मीदवार नू जिताया जावे, जिहड़ा साडा काम हो गया अगे भी। अगे
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ MCC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੋਟਾ ਐਵੇਂ ਪਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵੱਸਥ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਬਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਮੱਲੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਪੈਰਾਸੂਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਰਾਉਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਈ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਕਢਾਓ, ਬੂਥ ਬਾਈ ਬੂਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਜੱਟੀਆ ਮੱਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ SC ਲੇਡੀਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਲੜਾਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਲੜਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧੋਖੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੋ, ਕੱਲ ਕੋ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਬੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾ ਆ ਗਈ ਕੌਣ ਸਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੋ ਸੰਘ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੱਲ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ।